हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के लिए देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच आदि सरल करके ला रहे हैं, ताकि आप लोगों को देखने, पढ़ने और समझने में थोड़ी आसानी हो। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री महाकाली का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र यानी माता के दिव्य 108 नाम का स्तोत्र है। यह महाकाली माता का स्तोत्र है। कहीं कहीं पर इस स्तोत्र को श्री काली शतनाम स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं, पर मूलतः यह अष्टोत्तर शतनाम है। विशेष बात यह है कि इसमें माता के सभी नाम क से प्रारंभ होते हैं, तो क कार अष्टोत्तर शतनाम भी कहा जा सकता है। माता के इस तरह के दिव्य स्तोत्र जिसमें उनके सारे नाम क से प्रारंभ होते हैं, अति गुप्त और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनका बीज मंत्र भी क्रिम है और सभी नाम क से प्रारंभ होने के कारण अति गुप्त, अति प्रभावशाली और गोपनीय होते हैं। इस तरह के स्तोत्र का पाठ आदि करने से माता प्रसन्न होती हैं, पर पाठ बहुत ही शुद्ध मन और भक्ति भाव से ही करना चाहिए, अन्यथा गलत प्रयोग करने पर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जप, पूजन, स्तोत्र आदि के पाठ के साथ साथ कोई एक काली कवच का भी पाठ अवश्य करें। और जैसा कि यह महाकाली अष्टोत्तर शतनाम है, तो अगर महाकाली कवच हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कोई काली कवच का पाठ करते हैं तो वह भी उत्तम है, और नहीं तो कोई भी दश महाविद्या या भगवान शिव का कवच आदि, कोई न कोई एक कवच अवश्य रखना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री भैरव उवाच, शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने, अस्य प्रपठनाद् वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। यस्य प्रपठनाद् वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। तो यहाँ पर पूर्व पीठिका बस एक ही श्लोक उपलब्ध है, इसके साथ साथ अन्य कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो मूल पाठ प्रारंभ होता है। पर अगर कवच स्तोत्र आदि का पाठ करने के पहले आप माता काली की एक छोटी सी पूजा कर लें तो विशेष प्रभावी होता है। अब मूल पाठ। काली कपालनी कांता कामदा काम सुंदरी, काल रात्रि कालिका च काल भैरव पूजिता, कुरुकुल्ला कामनी च कमनीय स्वभावनी, कमनीय स्वभावनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्तम प्रकाशनी, कस्तूरी रस नीला च काम्या काम स्वरूपिणी, ककार वर्ण नीलया कामधेनु करालिका, कुलकांता करालास्या कामार्ता च कलावती, कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी, कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता, कामेश्वरी कामकांता कुंजरेश्वर गामिनी, कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी, कुमुदा कृष्णदेहा च कालिंदी कुलपूजिता, काश्यपी कृष्णमाता च कुलीशांगी कला तथा, क्रिम रूपा क्रिम म अकार क्रिम रूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता, कृशांगी किन्नरी कर्त्री कलकंठी च कार्तिकी, कंबुकंठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी, कुल स्त्री कृतिका कृत्या कृतिश्च कुलपालिका, कामदेवकला कल्पलता कामांग वर्धिनी, कुंता च कुमुदप्रीता कदंब कुसुमोत्सुका, कुंता च कुमुदप्रीता कदंब कुसुमोत्सुका, कुसुमोत्सुका कुसुम उत्सुका, कुसुम यानी पुष्प, तो माता कदंब के पुष्प के लिए उत्सुक रहती हैं, यही इनके इस नाम का अर्थ है। कादंबिनी कमलनी कमलिनी कृष्णानंद प्रदायिनी, कुमारी पूजन रता कुमारी गण शोभिता, कुमारी रंजन रता कुमारी व्रत धारिणी, कंकाली कमनीया च काम शास्त्र विशारदा, कंकाली कमनीया च काम शास्त्र विशारदा, कपाल खटवांग धरा
काल भैरव रूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलाश वासिनी कैलाश वासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्य शास्त्र प्रमोदिनी कामाकर्षण रूपा च कामपीठ निवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलह प्रिया कुंड गोलोद भाव प्राणा कौशिकी कृति वर्धिनी कुंभ अस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनद प्रिया कांतार वासनी कांति कठिना कृष्णवल्लभा कांतार वासनी कांति कठिना कृष्णवल्लभा। तो माता के 108 नाम यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर स्तोत्र का पाठ अगर आप बार बार करना चाहते हैं यहीं तक मूल पाठ की आवृत्ति करें, फलश्रुति एक बार पढ़ लें। अब यहाँ से फलश्रुति का भाग प्रारंभ होता है। इति ते कथितम देवी गुह्याद गुह्यतरम परम प्रपठेद य इदम नित्यम काली नाम शताष्टकम त्रिषु लोकेषु देवेशी तस्य असाध्यम न विद्यते। मेरे हिसाब से यहाँ असाध्यम शब्द स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं रहता है। त्रिषु लोकेषु देवेशी तस्य असाध्यम न विद्यते प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदानिशि यः पठेत परया भक्त्या काली नाम शताष्टकम् शताष्टकम् शत अष्टकम् 108 कालिका तस्य गेहे च संस्थानम् कुरुते सदा शून्यागारे शमशाने वा प्रांतरे जल मध्यतः वहनी मध्य च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकम् जपेन मंत्री लभते क्षेमम् उत्तमम् कालीं संस्थाप्य विधिवत् स्तुत्वा नाम शताष्टकः साधकः सिद्धिम् आपनोति कालिकायाः प्रसादतः। यानी माता काली की विधिवत पूजा आदि करके उनको स्थापित करके फिर इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए और इससे साधक को अचानक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। साधकस्य सिद्धिम को साधकः सिद्धिम भी बोल सकते हैं। साधकः सिद्धिम आपनोति कालिकायाः प्रसादतः। श्री महाकाली अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। मैंने दोनों नाम ऐसे ही छोड़ दिया है। इति श्री काली शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो आपके पास यह पाठ जिस नाम से भी हो, और लेकिन इस पाठ के लिए अष्टोत्तर शतनाम ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि फलश्रुति के भाग में चार जगह शताष्टकम शब्द आया है। धन्यवाद। हमें आशा है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप लोगों की सुविधा के लिए इस कवच स्तोत्र की PDF फाइल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य आवश्यक जानकारी के साथ दे दी गई है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।